और अब बात करेंगे अंगूठे के पोर की। अंगूठे के पोर की कैसी बनावट आपका नेचर फ्यूचर दोनों बता सकती है, बताइए पंडित जी, अंगूठे का पोर क्या कुछ कहता है? देखो, हथेली की ओर से अंगूठा तीन भागों में विभाजित है। मैंने कार्यक्रम के शुरुआत में ही बताया भैया, जिन्हें पोरुआ कहते हैं तो एक दो तीन पोरुआ है। पहला पोरुआ जो नाखून से चिपका हुआ है ऊपर वाला, ये तर्क शक्ति का सूचक है। दूसरा पोरुआ जो मध्य में है, ये इच्छा शक्ति का द्योतक है। और तीसरा पोरुआ जो सबसे नीचे है अंगूठे की जड़ से है, ये प्रेम शक्ति या सेक्सुअल पावर को बताता है। जिन लोगों के अंगूठे का पहला पोरुआ दूसरे पोरुओं से बड़ा होता है, उनमें प्रबल इच्छा शक्ति होती है और ऐसे लोग तर्क की अपेक्षा इच्छा पर ज़्यादा बल देते हैं। ऐसे लोग अपने निर्णयों में दूसरों का हस्तक्षेप पसंद नहीं करते हैं। जिन लोगों के अंगूठे का दूसरा पोर बड़ा होता है और पहला पोर छोटा होता है, ऐसे लोगों में तर्क शक्ति प्रबल रहती है। ऐसे लोग हर बात को तर्क से जांचते हैं। जिन लोगों के अंगूठे के कारण और दूसरे पार पोरवे के कारण और दूसरे पोरवे की बराबरी होती है, ऐसे लोग सफल जीवन व्यतीत करते हैं। कार्यों में तर्क शक्ति और इच्छा शक्ति के बल पर सफलता प्राप्त होती है। अंगूठे का तीसरा भाग शुक्र पर्वत होता है, ये बात जान लीजिए। जिन लोगों के अंगूठे का तीसरा भाग लालिमा युक्त और सुंदर होता है, उनका वैवाहिक जीवन भी सुखी रहता है। आप भाई किसी को देखकर ये कैसे बता सकते हैं कि आपका जन्म कृष्ण पक्ष में हुआ है कि शुक्ल पक्ष में हुआ है? है ना कठिन बात, लेकिन मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, आप किसी का हाथ देख करके बता सकते हैं कि आप शुक्ल पक्ष में पैदा हुए हैं कि कृष्ण पक्ष में। कैसे? ये जो हाथ का अंगूठा है ना, ये हाथ के अंगूठे में ये जो दोनों पोरवे हैं, दूसरा नंबर तीसरा नंबर, इसके बीच में अगर चंद्र बना हुआ हो और एकदम स्पष्ट चंद्रमा दिख रहा हो, तो निःसंदेह ऐसा व्यक्ति बहुत ही उच्च कोटि का जीवन जी लेता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और ऐसे लोगों का वैवाहिक जीवन भी सुखी रहता है। और जिन लोगों का ये क्षेत्र दबा हुआ होता है, ऐसे लोग निराशावादी भी होते हैं। तो कहने का आशय ये है कि अंगूठे की संरचना हमारे जीवन को बहुत कुछ प्रभावित करती है। जय माँ विंध्यवासिनी।